नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर हेडलाइंस पर। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान से विवाद, संजय राउत ने कहा बीजेपी राणा दंपति की मदद कर रही है। श्वान के बच्चे को मारने का वीडियो हुआ वायरल, मानकापुर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा राणा दंपति को राष्ट्रीय नेता बनाने का शिवसेना का है प्लान। अब खबरें विस्तार से। मुंबई में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवाद नहीं थम रहा है। शनिवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राणा दंपति के सहारे बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राणा दंपति की मदद कर रही है। राउत ने कहा कि अब शिवसेना अमरावती में आंदोलन करेगी। राउत ने नवनीत राणा पर पलटवार किया और कहा महाराष्ट्र सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो जिस भाषा में बोला है उसको उसी भाषा में समझाया गया है। अब राणा दंपति को मुंबई छोड़कर भागना पड़ रहा है, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। जेरिस काय आणते अखी शिवसेना, मी मगाशी सकाळी म्हटलं की प्रत्येकाने आपल्या लायकीप्रमाणे वागावं। जेरिस कुठे पळून गेले ना? बघा, असं आहे की जर एक राजकीय पक्ष कोणाचा तरी वापर करतो आहे, मीडिया त्यांच्या वक्तव्याला महत्त्व देत आहे, केंद्रातून त्यांना फूस लावली जाते आहे, आणि तरी आम्ही ठामपणे सांगतो आहे आलात अंगावरती घेऊ शिंगावर अप टू, आय रिपीट, परत जर शिवसेनेच्या अंगावर याल तर स्मशानात गौऱ्या रचून यायचं। पण यामुळे मराठाच्या कायद्याने सुद्धा प्रश्न निर्माण होतो? अजिबात नाही। आमच्याकडून जर काही गैरकृत्य घडलं असेल तर पोलीस आमच्यावर कारवाई करते। मग प्रश्न येतो कुठे कायदा सुव्यवस्थेचा? आम्ही जर काय आमच्या शिवसैनिकांनी जर कायदा हातात घेतला असेल तर पोलीस कारवाई करतील। जर तुम्ही आमच्या दैवतांवर, आमच्या मंदिरांवर अशा प्रकारे चाल करून येत असाल आणि त्याच्या रक्षणासाठी भिंत उभी राहिली असेल तर यात लॉ अँड ऑर्डर, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न येतो कुठे? अजिबात नाही। किंबहुना शिवसैनिकांचे आभार मानले पाहिजेत की त्यांनी मातोश्रीचं रक्षण केलं आणि या पळपुटांना त्यांची जागा दाखवली। हे भंपक लफंगे आहेत सगळे, हे महाराष्ट्राचे शत्रू आहेत आणि या महाराष्ट्राच्या शत्रूच्या मागे या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उभे राहतात, या राज्याचे विरोधी पक्षनेते उभे राहतात। काय एवढं काय तुमचं प्रेम उतू चाललं आहे या लफंग्यांच्यावर? तुम्ही कधी हनुमान भक्त झालात? संपूर्ण देश हनुमान भक्त, या देशाचा संस्कार आणि संस्कृती राम आणि हनुमामध्ये हनुमानामध्ये सामावलेली आहे। तुम्ही आम्हाला शिकवता, चला धन्यवाद। राऊत ने आगे कहा कि अगर कुछ गलत होता है तो पुलिस जांच करने में पुलिस सक्षम है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं हुई है। शिवसैनिकों का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने मातोश्री की सुरक्षा की। नवनीत राणा के प्रोटेस्ट का भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने समर्थन किया है, ये गलत बात है। अब शिवसेना अमरावती जाएगी जहां से नवनीत राणा और रवि राणा चुनकर आए हैं। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज। एक रिटायर्ड नायब तहसीलदार द्वारा पीट पीट कर श्वान के बच्चे को मारने का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ। इस मामले में रिटायर्ड नायब तहसीलदार के खिलाफ शुक्रवार को मानकापुर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैजयंती मांडवधरे ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार उत्तम नगर निवासी उत्तम कुमार दास रिटायर्ड नायब तहसीलदार है। वह घर के पास श्वान के दो बच्चों के भौंकने और घर में घुस जाने से त्रस्त थे। उत्तम कुमार ने लाठी से पीट पीट कर श्वान के एक बच्चे को मार डाला, उसके बाद लाठी से धकेलते हुए उसे दूर ले जा रहे थे कि किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो श्वानों के लिए कार्यरत एक संस्था के हाथ लगा। संस्था के लोगों ने प्रकरण को गंभीर बताते हुए मानकापुर थाने में मामले की शिकायत की। वरिष्ठ निरीक्षक वैजयंती मंडोधरे मौके पर दलबल के साथ पहुंची। जांच पड़ताल के दौरान कचरे के ढेर में जली हुई हालत में श्वान के दो बच्चों को पाया गया है। जलते हुए कचरे के ढेर में जाने से श्वानों के बच्चे खुद जले या उत्तम कुमार ने जलाया,
या फिर किसी और ने इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पोलिस स्टेशन मानकापुर थे, अपराध क्रमांक 90/22 कलम 429 बादवी कलम सहकलम 11(1) असी प्राण्यांना निर्दयतेने वागवणे अधिनियम या अधिनियमाखाली गुन्हा दाखल आहे। आणि या गुन्ह्यामध्ये फिर्यादी रोशनी नंदकिशोर गावंडे हे आरएडी बहुउद्देशीय संस्थेचे कार्यकर्ता आहेत। त्यांनी तक्रार दिली की एक व्हिडिओ व्हायरल झालेला, त्या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती स्वानाला मारहाण करताना दिसत आहे। तर या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल आहे। घटनास्थळी गेल्यानंतर जे आरोपी आहेत, ते आरोपी त्यांचं नाव आहे उत्तम कुमार दास, वय त्यांचं 65 वर्ष आहे। ते रिटायर्ड नायब तहसीलदार असून ते ओल्डेज असल्यामुळं एक त्यांचं म्हणणं आहे की एक डॉग माझ्या घरासमोर होता आणि तो त्याला कोणतरी दगड मारल्यामुळं तो सारखा ओरडत होता आणि त्याच्या गेटच्या आतमध्ये घराघर घुसत होता। आणि त्यांची जी पत्नी आहे त्याला पण तो साडीचं पदर वगैरे पकडत होता, तर त्याच्यामुळं त्यांनी लाठीने त्याला बाहेर काढलं आणि मारहाण केली। तर तो व्हिडिओ असल्यामुळं तेवढा व्हिडिओच फक्त पोलिसांकडे आहे आणि पुढचा जो जळल्याचा वगैरे आहे तो थोड्या अंतरावर डॉग जळलेला दिसत आहे, तिथे दोन डॉग जळलेले दिसत आहे आणि बराच कचरा वगैरे पण जळलेला दिसत आहे। तर या बाबतीमध्ये पुढील तपास सुरू आहे, गुन्हा नोंद आहे, नेमकी घटना काय आहे त्याबाबत अधिक तपास सुरू आहे। तो व्हिडिओ जो आहे तो आता आपल्याकडे आहे, त्याच्या आधारे आपण गुन्हा नोंद केलेला आहे, बावाजींना ताब्यात पण घेतलेला आहे, पुढील तपास करत आहे, पुत्र्याचे डॉगचे पोस्टमार्टम पण करण्याकरता पाठवलेले आहे। जे कार्यकर्ते आहे ते घटनास्थळी पोहोचले होते आणि ते नेमकं जो प्रकार आहे ते पाहण्याकरता किंवा सगळं घटनास्थळ पाहताना सगळे एकत्र आलेले होते। पोलीस पण त्या ठिकाणी पोहोचले आणि नेमकी परिस्थिती जी आहे ते सगळी हँडल करून गुन्हा नोंद करून पुढचा तपास सुरू आहे। जेव्हा आता डॉगचं पोस्टमार्टम होईल किंवा पुढच्या तपासामध्ये ज्या काही बाबी निष्पन्न होणार आहे त्यावरून सांगता येईल काय झालं नेमकं कारण काय। फिलहाल श्वान को मारने के आरोप में उत्तम कुमार को गिरफ्तार किया गया है, वही पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर राज्य में दिन प्रतिदिन विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पत्रकारों से बात करते हुए विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना को राणा दंपति को राष्ट्रीय नेता बनाना है और इसीलिए वो इतनी सारी चीजें कर रही है। आगे बात करते हुए वे बोले कि अपनी नाकामी दिखाने के लिए वे इस तरह के बयान दे रहे हैं जो बेहद ही पचकानी हरकत है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब इनसे कोई चीज संभली नहीं जाती तो ऐसी सारी चीज़ों को बीजेपी स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास करते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता वो राणा पति और पत्नी दो लोग क्या कहा उन्होंने, हम जाके हनुमान चालीसा बोलेंगे। अगर जाने देते किसी कोने में जाके हनुमान चालीसा बोलते, घर जाते न कोई न्यूज़ बनती न कोई उसका कोई इम्पैक्ट होता। किंतु मुझे समझ में नहीं आता है इतने लोग जमा करना, मानो वो कोई हल्ला करने के लिए आ रहे, हमला करने के लिए आ रहे, इस प्रकार से इतने लोग जमा करना, इधर जमा करना, उधर जमा करना, इतना ही नहीं रास्ते पर जाने वाले सभी लोगों के ऊपर हमले करना, ये कौन सी राजनीति है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवसेना को अब राणा पति पत्नी को शायद राष्ट्रीय नेता बनाना है, इसलिए ये सारी चीज़ें उनके माध्यम से यहाँ पर चल रही है। बहुत बचकाने तरीके से इसको जो हैंडल किया जा रहा है ना, इसको बचकाने से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रपति शासन कब लगता है ये गृह मंत्री को ठीक से मालूम है और मुझे ऐसा लगता है कि केवल सिंपथी प्राप्त करने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट वो देते हैं। उन्होंने इस बात को देखना चाहिए कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। ट्रांसफ़र स्कैम में एक गृह मंत्री जेल में वापस ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, उसको वापस स्थगिति आ रही है, रोज़ कानून व्यवस्था लचर हो रही है और ऐसे समय उसके ओर ध्यान देने की जगह ये जिस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं इसमें से ध्यान में आता है ये जब बौखला जाते हैं।
तो इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। बॉलीवुड में हमेशा ही अपनी एक्टिंग और बॉडी की वजह से मशहूर अभिनेता सोनू सूद जितना उनकी एक्टिंग की वजह से मशहूर है, उससे भी कई ज्यादा वो उनके समाज कार्य की वजह से मशहूर है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोरोना काल में भी देखने को मिला। सोनू सूद हमेशा ही असहाय लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। अब एक बार और उनकी नेक दिली देखने को मिली जब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 नामक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त 16 महीने के विहान अकुलवार की मदद के लिए शहरवासियों का साथ देने का आह्वान बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने किया। इस वक्त उन्होंने कहा कि सभी के प्रयासों से 16 करोड़ रुपए जमा किए जा सकते हैं। इस संदर्भ में हमारी संवाददाता ने बात की खुद सोनू सूद से। आइए डालते हैं एक नजर। तो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय दिशा सभी का स्वागत करती हूँ वीकेबी न्यूज प्रेजेंट बॉलीवुड गपशप में। और आज हमारे साथ ऐसे एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिनकी मतलब इंसानियत की अगर मिसाल कहते हैं, हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए अवेलेबल ये रहते हैं। और आज हमारे साथ सोनू सूद जी है। बहुत बहुत स्वागत सर हमारा बॉलीवुड गपशप में जो वीकेबी न्यूज की ओर से प्रेजेंट की गई है। कहीं ना कहीं आप एक नागपुर की लड़की को विहान को आप हेल्प कर रहे हैं, नागपुर से आपका जुड़ाव रहा है, कंप्लीट प्रोसीजर क्या थी, क्या बताएंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी की शुरुआत जो कुछ सीखा मैंने नागपुर से ही सीखा, और ये भी सीखा कि नागपुर के लोग जब एक चीज़ ठान लेते हैं तो उसे पूरा ज़रूर करते हैं। आज हमारे नागपुर के एक छोटे से बच्चे को उम्मीद है कि नागपुर वापस जुड़ेगा उसके लिए और उसकी जान बचाएगा, और ये हमें जुड़ना है और दिखाना है कि जब नागपुर में कोई भी तकलीफ आती है तो किस तरह नागपुर एक साथ होकर सब ठीक करता और हम लोग ठीक करके छोड़ेंगे उसे। कहीं ना कहीं नागपुर से जुड़ाव रहा है बहुत ही ज़्यादा, ये आपके लिए भी क्रूशियल है कि नागपुर का ही बच्चा है उसको आपको हेल्प करनी है, क्या बताएंगे आप इसमें? मैं ये कहूँगा कि करना है, वो तो अभी चैलेंज है और अभी तक ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसको नहीं पूरा कर पाए, तो ये भी पूरा करेंगे 100%। और एक बीड़ा उठाया है तो उसको मंजिल तक लेकर जाना ज़रूरी है, बट मज़ा इस बात का है कि इस बार नागपुर वाले हमारे साथ हैं, हमारे अपने लोग हमारे साथ हैं, तो सफ़र आसान रहेगा और मज़ेदार रहेगा। सर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि यूजुअली लोग जो लोग बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए हेल्प कर रहा है वो पॉलिटिकल या फिर किसी चीज़ से पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इज इट लाइक कि सोनू सूद को भी इस चीज़ से जुड़ना, क्योंकि बहुत सारे सवाल वैसे भी आ चुके हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज में आ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी अफवाहें उड़ चुकी है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप किसी मिलते हैं तो उससे लोग नाम जोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन एज एन एक्टर मुझे अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, समाज सेवा के लिए अभी कुछ बहुत करना बाकी है। 2 साल में तो मैंने सीखा है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो अभी आना बाकी है। सो अभी लंबी ज़िंदगी है, लंबा सफ़र है, पता नहीं आगे क्या होना है, क्या लिखा है, लेकिन अभी तो सिर्फ लोगों से जुड़ना है और लोगों की ज़िंदगी बदलनी है। नागपुर करों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ, जब भी नागपुर में आते हो आपको अच्छा लगता है कि इस वाइब बहुत अच्छी आती है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा समय आपने बिताया, सारे नागपुर करों को आप एक क्या मैसेज दोगे स्पेशल? मैं नागपुर वालों से ये कहना चाहूँगा कि आप पहले भी कमाल के थे, अभी भी कमाल के हैं और हमेशा कमाल के रहेंगे, ऐसे ही दुआएँ बना के रखिएगा। और हम बार बार ये दिखा चुके हैं कि जब नागपुर इकट्ठा होता है तो ज़िंदगी का बड़े से बड़े मकसद, जो मुश्किलें होती हैं, हम लोग उसे हल करते हैं। और अभी एक नया मिशन है नागपुर के पास, विहान को बचाना, और हम मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है और उम्मीद है कि नागपुर हमेशा जैसे हमेशा जुड़ा है, इस बार वापस हमारे साथ जुड़ कर ये मिशन भी पूरा करेंगे और हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। हमेशा खुश रहिए और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नागपुर से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाले समृद्धि एक्सप्रेसवे का पहला फेज 2 मई से खुलने जा रहा है। नागपुर से सेलू बाजार तक लगभग 210 किलोमीटर के फेज का लोकार्पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। 701 किलोमीटर लंबे इस बहुउद्देश्य एक्सप्रेसवे को स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का नाम दिया गया है। शुक्रवार को लोकार्पण तैयारी का जायजा लेने के बाद नगर विकास एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि समृद्धि के शुरू हो जाने से विदर्भ एवं मराठवाड़ा के विकास को नई दिशा मिलेगी। एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट पर ही टोल वाहनों का स्कैन कर लिया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर आप जितने किलोमीटर वाहन चलाएंगे उसी के हिसाब से एग्जिट पॉइंट पर टोल वसूल किया जाएगा, ताकि वाहन चालक बिना कोई समय गवाए आगे निकल सके। वाहन चालकों से न्यूनतम 1.73 रुपये प्रति किलोमीटर टोल लगेगा। नागपुर से मुंबई तक लगभग 1200 रुपये टोल लगेगा। शिंदे ने कहा कि पुणे एवं नाशिक एक्सप्रेसवे की तुलना में यह टोल कम होगा। सार्वजनिक उपक्रम मंत्री ने कहा कि पूरे समृद्धि महामार्ग पर 24 इंटरचेंज है, यहाँ हेलीपैड की व्यवस्था भी होगी, वाहन चालकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्विक रिस्पांस व्हीकल्स की व्यवस्था भी होगी ताकि कोई दुर्घटना होने पर तत्काल मदद मिल सके, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। शिंदे ने पत्रकारों के साथ समृद्धि का हवाई जायजा भी लिया और एक्सप्रेस वे पर कार भी दौड़ाई। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज। खबरों के सिलसिले में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। स्पार्क के आड़ में चल रहे देह व्यापार अड्डे पर सीताबड़ी पुलिस ने छापा मारा। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सीताबड़ी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच भी जारी है, ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनीस ने दी। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीताबर्डी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धर्मपेट स्थित ग्लो स्पा में अवैध रूप से देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने उक्त जगह पर छापा मारा, जिस दरमियान दो पीड़ितों को उन्होंने हिरासत में लिया। वही पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनीस ने दी। काल संध्याकाळी सीताबर्डी पुलिस स्टेशन मध्ये आम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळाली की ग्लो स्पा, हे स्पा अँड सलून धरमपेठ या ठिकाणी आहे, आणि त्या ठिकाणी पैशाचं प्रलोभन दाखवून काही पीडितेंच्याकडनं देह व्यापार करून घेतला जातो अशा प्रकारची माहिती आम्हाला मिळाली होती। त्यानुसार आम्ही प्रॉपर सापळा रचून आणि योग्य त्या कायदेशीर मार्गाने त्या ठिकाणी आम्ही रेड केली असता त्या ठिकाणी आम्हाला आरोपी आणि दोन मुली त्या ठिकाणी देहव्यापार करताना मिळून आल्या, तर त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना ताब्यात घेतलं, योग्य ती कारवाई करून त्यांच्याविरुद्ध आम्ही गुन्हा नोंद केलेला आहे। सदर पीडितांना आम्ही सूचनापत्र देऊन सोडून दिलेलं आहे, आणि त्याच्यातला जो मुख्य आरोपी होता, जो स्वतःच्या फायद्याकरता त्या मुलींच्याकडनं देहव्यापार करून घेत होता, त्याला आम्ही अटक केलेली आहे आणि आता न्यायालयात प्रोड्यूस केलेलं आहे। आरोपीचं जे नाव आहे ते तुलसी बारीकदार असं आरोपीचं नाव आहे। हा काही महिन्यांपासून त्या ठिकाणी चालू होता असं समजतं आहे, परंतु आता त्याच्याबद्दल तपास आम्ही करू आणि तपासामध्ये जे काही निष्पन्न होईल त्याप्रमाणे पुढील कारवाई करू। पुलिस ने इस मामले में जिन दो पीड़ितों को हिरासत में लिया उनको सूचना पत्र देकर उन्होंने रिहा कर दिया है। वही गिरफ्तार आरोपी का नाम तुलसी बारीकदार बताया गया। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज। मुंबई से एमडी लाकर उसे नागपुर में बेचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में क्राइम ब्रांच पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी
कि एक लड़का और लड़की मुंबई से नागपुर एमडी लेकर आ रहे हैं। इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने पेट्रोलिंग शुरू की, जिस दरमियान पुलिस को एक गाड़ी पर दो लड़के और एक लड़की दिखाई दी। पुलिस द्वारा उन्हें रोकने के बावजूद उन्होंने वहां से भागने का प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस को संदेह गहराया और तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन तीनों को दबोच लिया। उनसे कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर उन्होंने अपने गुनाह की कबूली की। हमारे माहिती गोपनीय माहिती मिळाली की नागपूर से मुलगा आणि मुलगी मुंबईला गेले, दोघं एमटी आणणार आहे। त्या माहितीवरून जी ट्रेन होती सेवाग्राम एक्सप्रेस, त्याने ते परत येणार अशी माहिती मिळाली होती। त्याप्रमाणे मग त्यावर कोणतं आम्हाला काही ते आढळून आले नाही। नंतर आम्ही मोबाईल लोकेशन्स काढली, त्यावरून समजलं की ते कामठी रोडने जात आहे। म्हणून आम्ही खामठी चौकाच्या जो पुढे तिथे ट्रॅप लावला आणि एक स्कूटीवरती तीन म्हणजे दोन मुलांनी एक मुलगी ते चालली होती, त्यांना आम्ही थांबून इशारा केला असता पण ते थांबले नाही। म्हणून संशय बोलावर त्यांच्या पाठलाग केला आणि त्यांना पकडलं। म्हणून लाईटली घेऊन पडले ते, त्यांना विचारपूस केली असता त्यांनी सांगितलं की आम्ही एम डी आणि त्यांच्या तपासणीमध्ये आम्हाला 7.7 ग्रॅम एम डी आढळून आली। त्यापूर्वी सर पंचनामा केला आणि अटक करून कारवाई केली आहे। यापूर्वी त्यांच्यावर काही रेकॉर्ड नाही आहे, परंतु असं वाटतं की त्यांच्या हावभाव ते त्यांना हे करतात सेवन करतात असं त्यांना त्याच्यावर दिसतं आहे। त्यातून सलमान जो आरोपी आहे तो म्हणजे असं मी खाता पिऊ और बेचता पिऊ ताकि उसी में मेरा खर्चा निकल जाता है, इसलिए मैं लाके बेचता हूँ और मेरा शौक भी पूरा हो जाता है और मुझे पैसे मिल जाए असं ते बयान होतं। हर पास आपल्या माध्यमातून मला इतकं एवढं सांगायचं आहे की कृपया बरेचशा आता नवीन धरण पिढी आहे की अगदी व्यसनाच्या विकाच्या आहारी गेल्या दिसून येत आहे। विशेषतः हे एम डी हे अत्यंत घातक आहे आपल्या शरीराकरता, त्यामुळे कृपया असे घातक व्यसनाकडे न होता त्या मुलांनी आपला जो वेळ आहे तो आपल्या स्पर्धा परीक्षांकडे किंवा आपल्या करिअरकडे वळवावा आणि आपली एनर्जी जी आहे ती आपण स्वतःचे भविष्य कसं उज्ज्वल होईल याकडे ती खर्ची घालावी, ना की असं व्यसनाकडे त्यांनी जाणे हे अत्यंत चुकीचं आहे। आणि कृपया सर्व माझ्या जे नवीन पिढी आहे त्यांना माझी विनंती आहे की कृपया त्यांनी यातल्या ज्या ड्रग्स म्हणा किंवा गांजा म्हणा यापासून लांब जाऊन आपला जो पुढचं भविष्यकाळ आहे ते उज्ज्वल करण्याकरता त्यांनी आपल्या करिअरकडे त्यांनी लक्ष द्यावं ही आपल्या माध्यमातून विनंती आहे। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही इस वक्त जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो सलमान नामक आरोपी ने कहा कि वो खुद एमडी का सेवन करता है और उसे बेचने के लिए नागपुर लाता है, जिसके चलते पुलिस ने ऐसे व्यसनों से युवाओं को दूर रहने की भी अपील की। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज। राज्य के नगर विकास विभाग ने कुछ दिनों पहले मनपा प्रशासन को पत्र लिखकर नए से प्रभाग रचना तैयार कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन चुनाव आयोग के पहले से दिशा निर्देश में कोई बदलाव नहीं किया गया। पहले ही तैयार किए गए 3 सदस्यीय प्रभाग रचना के प्रारूप की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किए जाने की खबर है। ऐसे में पुराने प्रारूप को यथावत मंजूर किए जाने के आसार बन रहे हैं। नगर विकास विभाग की तरफ से प्राप्त नए प्रभाग रचना तैयार करने के संदर्भ में कोई निर्धारित अवधि नहीं दी गई, उसी प्रकार दिशा निर्देश भी स्पष्ट नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 3 सदस्यीय प्रभाग रचना अनुसार तैयार रिपोर्ट को ही शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 3 सदस्यीय प्रभाग रचना अनुसार शहर में 52 प्रभाग तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पार्षदों की संख्या 156 होगी। वर्ष 2011 के बाद जनगणना नहीं होने से उसी के आधार पर प्रभाग की संख्या तय किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, भटकी जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग के लोगों की शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए विविध योजना व उपक्रमों को महाज्योति के माध्यम से प्रभावी अमल करने के निर्देश बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दिए। सामाजिक न्याय संचालक मंडल के साथ योजना की समीक्षा बैठक में वडेट्टीवार बोल रहे थे। इस दरमियान महाज्योति के सदस्य लक्ष्मण वडले, दिवाकर गमे, बबनराय तायवाड़े, व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप कुमार डांगे, समाज कल्याण उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड़, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी अतुल कुमार वासनिक, कंपनी सचिव अविनाश गंदेवार, प्रकल्प अधिकारी कुणाल सिरसाटे आदि उपस्थित थे। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज। रेत तस्करी के मामले हमेशा ही सुर्खियां बटोरते रहते हैं। आए दिन रेत तस्करी से जुड़ी घटनाएं हम सुनते ही रहते हैं। अब ऐसे ही रेत माफियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जाँच जारी है। बढ़ते रेत तस्करी के मामलों पर अंकुश लगाने और रेत तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने कार्रवाई को तेज किया है, जिसके तहत पुलिस ने आरोपी विश्वा रंजन दास, दीपक पंजालू, प्रफुल्ल कापसे, चंद्रशेखर कामदार, लक्ष्मीकांत सातपुते, आयुष त्रिवेदी, अमित राय और राहुल वाड़िया को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की।
वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच जारी है। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज। पुस्तकालय की संख्या राज्य सहित पूरे देश में व्यायामशालाओं की संख्या के समान होनी चाहिए। किसी भी इंसान की जिंदगी में पुस्तकें बेहद ही सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। ऐसा वक्तव्य मशहूर सिने निर्देशक नागराज मंजुले ने दिया। वे राज्य स्तर पर बुल्लाना में आयोजित प्रथम व ऐतिहासिक वामन दादा कड़क साहित्य सम्मेलन में उद्घाटन वक्ता के रूप में बोल रहे थे। आगे बात करते हुए वे बोले कि वामन दादा कड़क महान कवि, गायक और शायर थे। उनके ऐतिहासिक साहित्य सम्मेलन में उद्घाटक के रूप में मेरा यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। म्हणजे मी आता मी गाडीत तेच बोलत होते की वामन दादाची जन्मभूमी जरी नाशिक असली तरी म्हणजे या इथल्या भूमीने त्यांची कृतज्ञता बाळगून त्यांची आठवण ठेवून हे साहित्य संमेलन आयोजित केलं आहे। रविकांत आणि सगळी टीम यांनी हे खूपच महत्त्वाचं काम केलं आणि माझे खूप आवडते कवी शाहीर आहेत आणि मला स्वतःला आनंद होतो आहे की मी याचा उद्घाटक म्हणून इथं उपस्थित आहे। आज पुस्तक दिन आहे, त्यानिमित्ताने काय जनतेला आवाहन करा? पुस्तक दिन आहे, अजून काय सांगायची गरज आहे? पुस्तक खूप महत्त्वाचं आहे आयुष्यात आणि मी म्हणतो की आजच्या काळात म्हणजे कुठल्याही हत्यारापेक्षा पुस्तकच खूपच जास्त सकारात्मक अर्थानं महत्त्वाचं हत्यार आहे। जेवढ्या पद्धतीनं आपण धार्मिक स्थळामध्ये जातो तसं नियमितपणे ग्रंथालयात जाणं गरजेचं आहे। मी तर ते कालच म्हटलं आहे की जिम असतात तशा म्हणजे तितक्या संख्येनं ग्रंथालय पाहिजेत। वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।